नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मंगलवार को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस की दवा तैयार कर ली। बाबा रामदेव का ऐलान करना था कि लोगों के बीच इसकी चर्चा जंगल में आग की तरह फैल गई। कंपनी की तरफ से इसका खूब प्रचार हो रहा है, लेकिन ICMR और आयुष मंत्रालय ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती प्रचार न करें। अब इस मुद्दे पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का बयान आया। आज केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि यह अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी, लेकिन नियम के अनुसार दवा को पहले आयुष मंत्रालय में जांच के लिए देना होगा। मेडिसिन बना सकता है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था, जो जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाल के, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको दिए, कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी MD डॉक्टर होना था, ये वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहाँ, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था, इसी के मुताबिक हाँ बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो कोई जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए, इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, ये हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है, इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है, यही तो मुद्दा था। और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटनी करके उसका ये करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के इलाज का सफल दावा करते हुए दवा लॉन्च की। इस दवा को दिव्य कोरोनल टैबलेट नाम दिया गया। बाबा रामदेव ने बताया कि इस दवा का सेवन करने पर रोगी 5 से 14 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है।